टीम इंडिया इस समय वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भाग ले रही है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया लगातार 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में तीनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह लग रहा है कि ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अपना अभियान पहले स्थान पर समाप्त कर सकती है, लेकिन आगामी मैचों में जीत दर्ज करने के लिए टीम इंडिया को अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने की सख्त जरूरत है। और ऐसा खबर सुनने में आ रही है कि मैनेजमेंट आगामी मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा उसकी प्लेइंग 11 में अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर को बाहर बिठा सकती है। इस वजह से प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे श्रेयस अय्यर। टीम इंडिया के अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इन दिनों वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के अभियान का अहम हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के अलावा अन्य किसी भी मैच में अपनी उपयोगिता को साबित नहीं किया है। श्रेयस अय्यर हर एक मैच में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं और अपनी टीम के लिए मुसीबतें बढ़ाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में श्रेयस अय्यर ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए हैं और वो एक बार फिर से शॉर्ट बॉल का शिकार हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट अब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर सकती है और उनकी जगह किसी दूसरे बल्लेबाज को मौका दे सकती है। श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को मिल सकता है मौका। टीम इंडिया के अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की खराब फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट उनकी जगह पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। ईशान किशन बहुत ही शानदार फॉर्म में है और उनके इसी फॉर्म को देखते हुए मैनेजमेंट उन्हें श्रेयस अय्यर की जगह तरजीह दे सकती है। ईशान किशन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक संतुलन बना सकते हैं और नंबर 4 की पोजीशन पर अपना कब्जा कर सकते हैं।